उत्कलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा का मिशन बस्तर, बस्तर दौरे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के बस्तर दौरे का दूसरा दिन है। रविवार को कोर कमेटी की बैठक ली गई, एकजुटता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। जिला स्तरीय बैठक में मंथन भी होने जा रहा है। आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। नारायणपुर और कोंडा गांव में बैठक आयोजित होनी है। बस्तर जीतने की रणनीति तैयार होगी। तो भाजपा का मिशन बस्तर शुरू हो चुका है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बस्तर दौरे पर हैं, दूसरा दिन है और रविवार को उन्होंने कोर कमेटी की बैठक ली, आज भी कई बैठकें लेने जा रहे हैं। तो एकजुटता के साथ काम करने के दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए हैं। तो जिला स्तरीय बैठक में आज मंथन होने जा रहा है। तो चुनावी साल और ऐसे में अब बीजेपी पूरी तरह से फोकस्ड है चुनाव के मद्देनजर और यही वजह है प्रदेश प्रभारी का दौरा महत्वपूर्ण। बस्तर जीतने की रणनीति तैयार हो रही। जीवानंद हलदर, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जीवानंद, क्या जानकारी मिल रही है? पूरी तरह से बस्तर को फतह करने की कोशिश में बीजेपी लगी है। आज के क्या कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं प्रदेश प्रभारी के? दूसरा दिन है जहां पहले दिन वो सुदूर अंचल बनांचल जो कोंटा है वहां से उन्होंने शंखनाद किया है और वहां पर कोर कमेटी बैठक के बाद जगदापुर में बैठक ली और जहां आज नारायणपुर और कोंडा का दो जगह पर बैठक ली जाएगी। आपको बता देना चाहूंगा कि जिस तरह से 15 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद जब अब चुनावी वर्ष है और यही कारण है कि बस्तर भाजपा चाहती है कि बस्तर में जो 12 के 12 जो सीट है वो फतेह हासिल कर सके, क्योंकि कहा जाता है कि बस्तर के जो 12 सीट है ये सत्ता के रास्ते के लिए आसान हो जाते हैं और यही कारण है कि जो भाजपा है अभी से कमर कस ली है और ये चुनावी वर्ष में ही और तमाम तरह के जो बैठक से लेकर तमाम जो राजनेता है वो बस्तर के दौरा कर रहे हैं और उसी दौरान उसी को लेकर जो ओम माथुर है वो बस्तर के प्रवास पर है और ओम माथुर से पहले जो जैसे डी पुंडरीन सिंह रहा, नितिन नवीन रहे हैं और उसके बाद जो ओम माथुर को जो प्रभार सौंपा गया है तो निश्चित रूप से ओम माथुर ये चाहते हैं कि उनकी इस प्रभारी के कार्यकाल में कहीं ना कहीं बस्तर जो छत्तीसगढ़ में सरकार में भाजपा वापस आए और यही कारण है वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और जगह जगह पहुंचकर जहां भाजपा कार्यकर्ता के जो जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता है उनसे भी वो ऑन टू ऑन कर रहे हैं और जो नाराज है इस भाजपा के जो कार्यकर्ता जो नाराज है उसने भी साधने का कोशिश कर रहे हैं। साथ ही और चुनावी वर्ष है और उस कैंडिडेट के भी एक तरह से तलाश की जा रही है तो कुल मिलाकर कहा जाता है जाएगी चुनावी साल बस्तर में पूरी तरह से 12 सीटों पर फोकस करने की कोशिश बीजेपी की जद्दोजहद दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो भाजपा का मिशन बस्तर और माथुर के बस्तर दौरे का दूसरा दिन।